चलिए और देखें क्या हुआ कानपुर हिंसा में, किसका हाथ। ओहो, देखें आपको बता देते हैं और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर निजाम कुरैशी को दंगे के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नई सड़क पर हुए दंगा मामले में निजाम कुरैशी पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। निजाम कुरैशी, आपको ये जानकारी दे दें कि पहले समाजवादी पार्टी में था, लेकिन उसे पहले ही पार्टी ने बाहर निकाल दिया था और अब गिरफ्तारी बड़ी खबर है। कानपुर हिंसा केस से जुड़ी हुई एक और आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, जिसका नाम निजाम कुरैशी। और निजाम कुरैशी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो नई सड़क पर जो हिंसा हुई उसकी साजिश को रचने का पूरा जो दारोमदार था वो उसी पर था, यानी कि वो तो निजाम कुरैशी समाजवादी पार्टी के नेता है। समाजवादी पार्टी ने लीपापोती करने के लिए निजाम कुरैशी को निकाल दिया। ये वही समाजवादी पार्टी जिनके एक और बड़े नेता कोई बर्क है, टर्क है, पता नहीं क्या नाम है, उसने कहा कि बिल्कुल सही दंगे हो रहे हैं, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसकी वजह से हो रहे हैं, उन्होंने इन दंगों को जायज़ ठहराया है। यानी समाजवादी की पार्टी की ऑफिशियल लाइन ये है कि उन्होंने इस दंगों को इसलिए जायज़ ठहराया, बोले जो उन्होंने बोला उसके लिए हो रहे हैं दंगे। तो बहरहाल तो ये लीपापोती थी, लेकिन साहब निजाम कुरैशी जी के दिन अच्छे नहीं थे। निजाम कुरैशी जी अंदर चले गए। आइए और देखें, आपको और कुछ ट्वीट दिखाऊं। नहीं, सबको सबक तो सबको सिखाया जाएगा सर, ऐसा थोड़ी कि नहीं सिखाया जाएगा, सबको सिखाएंगे प्यार प्यार से एकदम, है ना। आइए, मक्तूब मीडिया क्या कहते हैं। स्टूडेंट लीडर आफरीन फातिमा 136 से शी इज एक्सट्रीमली कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ हर फादर, मदर एंड सिस्टर हुज वेयर अबाउट्स आर अननोन टू हर। ओ हो, she claims that women and small children are being forcefully evicted from the houses in the middle of the night. Oh re baap re, kaun hai ye madam, aao dikhaye aapko। Aisha Rena, inki suputri hai। More than 100 were arrested, Muslim homes raided and two including a minor died after police used brutal force on peaceful protest, condemning the hate remarks on Prophet Muhammad in Modi's India। While the hate monger Nupur Sharma roams free, many including the family of fellow activist Afreen Fatima were detained by police in VRs of Afreen ki supudriyon VRs today। Raise your voices before it's too late, more power to you brethren, there is ultimate power above all powerfuls on earth and we believe in his justice। Kya baat hai, bahut badi। Ab ye bawal aaya kyun, aaiye main samjhata hu aapko। प्रयागराज वॉयलेंस यस्टरडे, मास्टरमाइंड जावेद अहमद डिटेंड, देर कुड बी मोर मास्टरमाइंड्स, द एंटी एंड सोशल एलिमेंट्स यूज्ड माइनर किड्स टू हर्ल स्टोन्स एट पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट 29 क्रूशल सेक्शंस, एक्शन टू बी टेकन अंडर द गैंगस्टर एक्ट एंड NSA। प्रयागराज, तो इनका बाप कौन है, इनका बाप ये रहा जो पकड़ में आ गया, जिसको डिटेन कर लिया, मास्टरमाइंड जावेद अहमद। तो जावेद अहमद जो है मास्टरमाइंड है, उनकी बेटी जो मक्तूब मीडिया के माध्यम से बोल रही, खुद नहीं बोल रही, मक्तूब मीडिया के माध्यम से, है ना। जावेद्स डॉटर हु इज अ स्टूडेंट इन दिल्ली इज आल्सो इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, इफ नीडेड वी विल कॉन्टैक्ट दिल्ली पुलिस एंड सेंड अवर टीम्स। इसको भी लाएंगे लड़की को। प्रयागराज SSP ऑन अगेंस्ट मास्टरमाइंड जावेद अहमद डॉटर, बोले उसकी लड़की को भी लाएंगे। अरे रे 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 रे, शी गॉट अरेस्टेड, पापा के साथ, नॉट टू वरी एनीमोर। अरे तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी खबर दे दी आपने। अब कौन है ये, इनको भी देख लें जरा। आइए इनकी भाषा सुन लें, क्या नाम है इनका, आफरीन फातिमा। आफरीन फातिमा को सुन तो लो, चैन नहीं पड़ेगा वरना तुमको। आओ, जब हम बात करते हैं इस बात की कि स्टेट टारगेट कर रहा है मुस्लिम्स को, स्टेट क्रिमिनलाइज कर रहा है, स्टेट डीह्यूमनाइज कर रहा है, ये अभी का नहीं है, ये CAA के टाइम का है, और स्टेट मार्जिनलाइज कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली मुस्लिम्स को कर रहा है, तो सवाल तो बनता है ना कि स्टेट कैसे कर पा रहा है, स्टेट क्यों कर पा रहा है। हु इज स्ट्रेंथनिंग द स्टेट टू बी एज विशियस, टू बी एज ब्रूटल अगेंस्ट मुस्लिम्स, हु इज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टेट एंड बिटवीन स्टेट एंड द मुस्लिम्स, हु इज नॉट टेकिंग आवर साइड, हु इज choosing to stay silent over oppression of Muslims, who is doing it? ये सवाल हम सबको पूछने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस मुल्क की अक्सरियत जाग जाए और इंसाफ पसंद हो जाए तो शर्जील इमाम जेल में नहीं होंगे, मीरान है ना। जब हम बात करते हैं इस बात, तो शर्जील इमाम के फेवर में उतर के आई। शर्जील इमाम जो है इनके खासम खास थे, उनके लिए उतर कर आई। तो ये हैं
ये इनकी असलियत है। इनके पिताजी भी, ये बेटी भी दंगाई, बाप भी दंगाई, पिता से ही सीखा होगा। मित्रों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कॉन्ट्रीब्यूट कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani, or sanathani@upi.